नमस्कार, मु किशोर एन क्लासेस को आपण मानको स्वागत करुछि। पिला माने आज क्लास रे आमे माने डिस्कशन करिवा अबाउट द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ पेडियाट्रिक जार ना हला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्लास टी आरंभ करिवा पूर्व जदि चैनल लेगा आपण माने प्रथम थरो पे विजिट करतन ताले चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतो एवं पाखरि थिया बेल आइकन को क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दियंतो। वीडियो टी को जमारो स्किप करिवा नै, एंड पर्यंत निहाती भाबरे देखिबे, बहुत इंपोर्टेंट जिंस या भितरे अछि। ओके, चलंतो आजरो टॉपिक स्टार्ट करिया। तो पिला माने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर को एंटर करिया पूर्व हमको प्रथम बुझाया पड़ो ग्रोथ कौन डेवलपमेंट कौन। ये दुईटी जाक टर्म को आम प्रथम बुझीजा। जदि एग्जाम्पल ना तो आम सामने आम दुई जन पिला दुई जन लोक आड़ा करवा जनकर देखा। सपोज ए एंड बी दुई जन लोक, ए रयस अनुसार तार हाइट और वेट ठीक अच्छे एवं बी विभिन्न प्रकार क्वेश्चन को सल्व कर विभिन्न प्रकार पजल को सल्व कर बुझे। तो आम यही क्षेत्र में ए साइज एवं तार बॉडी को देखिकी कौन कही था ना ए शरीर भल ग्रोथ हो ठीक अच्छे एवं बी जिते बड़े आम विभिन्न प्रकार पजल को सल्व कर पार्चे एवं विभिन्न प्रकार क्वेश्चन एनसर दे पार्चे आम कही था बी ब्रेन टी भल डेवलप करें। आम के कही नौ जो बी ब्रेन भल ग्रोथ कर शरीर भल डेवलप करमी के कही नौ। तो यूर आम ऑटोमेटिकली कौन बुझे जे ग्रोथ हूँ साइज एवं मास रो इनक्रीजमेंट ठीक अच्छे टिश्यू मास एवं बॉडी साइज रो इनक्रीजमेंट को कहा जाए ग्रोथ एवं डेवलप क्या कहा जाए ना कैरेक्टरिस्टिक नेचर क्वालिटी फंक्शन या कहा जाए आमर डेवलपमेंट बुझे। तो पॉइंट से कहला ग्रोथ रिफर्स टू इनक्रीज द साइज और मास ऑफ टिश्यू इट इज ए क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। तो ग्रोथ कौन ग्रोथ हूँ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। ओके क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कौन ना जितेबले बहुत गुड़े जिनस इनक्रीज करुच्ची माने साइज रे बड़ होटा है क्वांटिटेटिव। फॉर गछ जदि आम कह गछर भल ग्रो होने गछर साइज बढ़ुची गछर पत्र गछर स्टेम गछर ट्रंक ये सब धीरे धीरे मोटा हो गछ बड़ हो धीरे धीरे। ओके से आम कहले गछर ग्रोथ भल हो गछर डेवलपमेंट भल हो कहले। ओके आम देखले डेवलपमेंट कौन डेवलपमेंट रिफर्स टू द मेच्युरेशन ऑफ फंक्शन सो इट इज ए क्वालिटेटिव मेजरमेंट। डेवलपमेंट कौन डेवलपमेंट हूँ गोटे क्वालिटेटिव मेजरमेंट एंड ग्रोथ हूँ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। ओके देन आसमर स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कौन कौन स्टेजेस अच्छे गोटे छुआ जन्म हला बेलू जन्म हेठ से बड़ हाँ पर्यटन कौ कौ स्टेज दे कि गति कैसे डिटेल्स पढ़ा जोटा कि एग्जाम बहुत इंपोर्टेंट। आशा करुच्ची भिडियो भल लगुव जदि भल लगुच गोटे लाइक निहाती भाव में करदे। फास्ट हूँ आमर कनसेपसन रू मैंने जीरो डेज रु 14 दिन पर्यंत आम कौन कह अभिमुख कह। ओके कनसेपसन रो दिन कनसेपसन हम कनसेप कर माँ से ही दिन से 14 दिन पर्यंत आम कौन कह अभिमुख। ओके 14 दिन ठार 8 सप्ताह पर्यंत आम कही था एम्ब्रियो देन 8 सप्ताह अप टू बर्थ और 40 सप्ताह पर्यंत आम कही था फिटस बुझेगा अभ्यूम एम्ब्रियो एवं फिटस देन जन्म हो सर यहाँ है आमर इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके देन आउटर द यूटेराइन कैविटी कौन हम आउटर यूटेराइन कैविटी बाहर आमर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ताको आमे देखिबा। तो बर्थ रु जन्म होगा पर 7 दिन पर्यंत आम कह अर्ली नियोनेट। ओके देन अष्टम दिन ठारु 30 दिन पर्यंत आम कही था लेट नियोनेट देन वन मंथ ठारु 1 ईयर पर्यंत माने गोटे मास ठारु गोटे वर्ष पर्यंत आम कही था इनफैंट 1 ईयर टू 3 इयर्स कहा जाए टोडलर देन 3 टू 6 इयर्स कहा जाए प्री स्कूल चाइल्ड देन 6 इयर्स टू 12 इयर्स कहा जाए आमर स्कूल गोइंग एज देन 12 वर्ष रु 18 वर्ष होला आमर एडोलेसेंट एवं 18 वर्ष रु एबव होइगला आमर एडल्ट। क्लियर नेक्स्ट आम देखा एबाउट द वेट वेट रो कौन केमी इनक्रीज करे। द नॉर्मल वेट ऑफ न्यूबॉर्न इन इंडिया के 2.5 टू 3.5। ओके जदि आमर 3.5 रु अधिका है आम कौन कह माइक्रोजोमिया बोली कही था। ओके देन 5 टू 6 मंथ्स एज रे कौन होता है बेबी वेट जन्म होगा 2 गुण हो जाए 1 ईयर पर्यंत 3 गुण हो जाए। ओके जदि क्वेश्चन आसे जे गोटे न्यूबॉर्न बेबी बार्थ वेट सांगे तीन गुण वेट
केबे गेन करिवो से ना बर्षरे गेन करिवो ओके गोटे वर्ष होला परे कौन हुए ना बेबीर जन्म होला को जहाँ ओजन थाए वर्ष बेलू से तीन गुण हो जाए तो बेबी को दुई वर्ष होगा पूर्व कौन हुए तार ओजन चारि गुण हो जाए तीन वर्ष होगा बेलू पांच गुण फाइव इयर्स बेलू छ गुण सेवेन इयर्स बेलू सात गुण और टेन इयर्स बेलू दस गुण हो जाए ठीक अच्छे ये वेट गुड़ाक निश्चय भाव में जोटा हेले गोटे या भितर एग्जाम निहाती भाव में आसव तापरे आम देखा कैलकुलेशन ऑफ वेट आप देखिथ सराउंडिंग रे गाँ गहर एमती बहुत लोग अच्छे जो मैंने निजर छुआ मानक धरिक सब अंगनवाड़ी को दाँती अंगनवाड़ी रे दीदी वेट करते तेणु अंगनवाड़ी न खुली आम केमी वेट को जापर तार किसी सूत्र अच्छी क्राइटेरिया अच्छी ओके प्रथम आम देखा मंथस रे जदि बेबी रो बयस तीन मस रु बार मस भर अच्छी तेल तार एक्सपेक्टेड वेट आम के पारा ना एज इन मंथस प्लस नाइन डिवाइडेड बाय टू सपोज फॉर एग्जांपल आम देखा जदि बेबी रो बयस पांच मस हो ओके बेबी रो बयस हूँ पांच मस प्लस नाइन प्लस नाइन डिवाइडेड बाय टू ओके ये एक्चुअली चलूनी भल रे तो यही हिसाब रे आमे कैलकुलेट करी परिवा ओके जदि तीन मास रु बार मास भितरे अछि ताले आपण माने निजे खाता पेन बाहर करी की कैलकुलेट करी परिवे एक्सपेक्टेड वेट केते हेबा दरकार ना एज इन मंथ्स प्लस नाइन डिवाइडेड बाय टू देन आसी आमर जदि वर्षे रु छ वर्ष भितरे थिवो वन इयर रु सिक्स इयर्स भितरे जदि थिवो एक्सपेक्टेड वेट केते हेबो ना एज इन इयर्स इंटु टू प्लस एट ठीक अच्छे जदि बयस अच्छी मन करूँ तीन वर्ष ताहले एक्सपेक्टेड वेट आम कमी बाहर करवा ना एज इन इयर्स दैट मीन्स तार बयस अच्छे तीन वर्ष थ्री इंटु टू प्लस एट ओके देन जदि तार ओजन अच्छी सॉरी एज अच्छी सात वर्ष रु बार वर्ष मध्य एक्सपेक्टेड वेट के हम ना एज इन इयर्स इंटु सेवेन ओके मन करूँ तार एज अच्छी फाइव इयर्स तो एज इन इयर्स है फाइव इंटु सेवेन माइनस फाइव डिवाइडेड बाय टू ठीक अच्छे आपण मैंने कैलकुलेट करेंगे देन नेक्स्ट पॉइंट हूँ जदि बेबी को दुई वर्ष रु बार वर्ष भितर अच्छी तार गोटे इजी ट्रिक अच्छे से एज इंटु एज जहाँ अच्छी गुणन एज इन इयर्स पुणी ता बंधन भितर आउ थ एज प्लस थ्री तापर गुणन फाइव होल डिवाइडेड बाय टू बुझे एगुड़ाक हूँ आपर फिल्ड में काम दब एगुड़ाक जितेबाला आपण मैंने कम्युनिटी लेवल रे काम करेंगे से एक्सपेक्टेड वेट आप क्राइटेरिया देखिए बाहर करेंगे ओके देन आमर हाइट हाइट एट बर्थ के फिफ्टी सेंटीमीटर यहाँ हूँ सब इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ बहुत थर एग्जाम आके एट बर्थ हाइट के फिफ्टी सेंटीमीटर देन थ्री मंथ्स बेलू के सिक्सटी सेंटीमीटर सिक्स मंथ बेलू सिक्सटी फाइव सेंटीमीटर नाइन मंथ्स बेलू सेवेन्टी सेंटीमीटर वन ईयर बेलू सेवेन्टी फाइव सेंटीमीटर टू इयर्स बेलू नाइंटी सेंटीमीटर फोर इयर्स बेलू हंड्रेड सेंटीमीटर ओके फोर इयर्स पर प्रति वर्ष चाइल्ड आप्रोक्सीमेटली छः सेंटीमीटर हाइट गेन कै अंटिल ट्वेल्व इयर्स ऑफ एज ओके चार वर्ष बेलू के हाइट हाइट होता शहे सेंटीमीटर किंतु चार वर्ष पर बार वर्ष पर्यंत प्रति वर्ष आप्रोक्सीमेटली छः सेंटीमीटर हाइट तार बढ़ी थाए ओके देन आसमर हेड सर्कमफेरेन्स हेड सर्कमफेरेन्स एट बर्थ के चौतीस रु पैंतीस सेंटीमीटर दुई मस बेलू थर्टी एट सेंटीमीटर तीन मस बेलू फोर्टी सेंटीमीटर चारि मस बेलू फोर्टी वन सेंटीमीटर सिक्स मंथ्स बेलू फोर्टी टू टू फोर्टी थ्री सेंटीमीटर वन इयर बेलू फोर्टी फाइव टू फोर्टी सिक्स सेंटीमीटर टू इयर्स बेलू फोर्टी सेवेन टू फोर्टी एट सेंटीमीटर ओके तो ये जो हेड सर्कमफेरेन्स आम कमी मेजर करवा आम ऑक्सिपिटल रीजन रु टेप को आरंभ करवा कान ऊपर देकी ओके कान ऊपर देकी जो ग्लाबेला अच्छे से गोटे से पटु देकी गोटे राउंड आनवा पुणी से ऑक्सिपिटल बोन को ओके तो जिते बड़े आम हेड सर्कमफेरेन्स डिक्रीज हुए माने युवाक हूँ नॉर्मल वैल्यू दुई मस हेड सर्कमफेरेन्स रहा कथा याठू जदि कम रुहे दैट मीन्स हेड सर्कमफेरेन्स डिक्रीज हो तो हेड सर्कमफेरेन्स जदि एज अनुसार डिक्रीज हुए आम कह माइक्रोसेफाली ओके आउ जदि इनक्रीज करुच्छे ताको आमे कहिबा माक्रोसेफाली बा हाइड्रोसेफालस बुझी हो जी नेक्स्ट आसमर
चेस्ट सरकमफेरेंस, चेस्ट सरकमफेरेंस एट बर्थ केते थे 31 सेंटीमीटर, ओके चेस्ट सरकमफेरेंस एट बर्थ केते रहे 31 सेंटीमीटर, 1 ईयर बेलकु बेबी को जतले 1 ईयर हो तार हेड सरकमफेरेंस एवं चेस्ट सरकमफेरेंस दीटा एको इक्वल थांदी, बुझी होची। आमर जदि क्वेश्चन हसे जे केते वयस रे बा केते समय परे बेबी रो हेड सरकमफेरेंस एवं चेस्ट सरकमफेरेंस इक्वल रहबो बा समान रहबो सेटा हबो 1 ईयर ऑफ एज, ओके 1 ईयर परे परे चेस्ट सरकमफेरेंस एज सरकमफेरेंस अपेक्षा हेड सरकमफेरेंस अपेक्षा बेसी थाए, बुझी होची। जतेबेले 1 ईयर हिजबो बेबी को सेतेबेले हेड सरकमफेरेंस एवं चेस्ट सरकमफेरेंस दीटा जाक रो लेंथ केते रहबो इक्वल रहबो, किंतु 1 ईयर परे परे चेस्ट सरकमफेरेंस हेड सरकमफेरेंस को एक्सीड करि जाए बा चेस्ट सरकमफेरेंस बेसी रहबो, ठीक अछि। तापर अपन चेस्ट सरकमफेरेंस हम केमिति मापिबा ना मिड इंस्पिरेशन, ओके आम निश्वास भितर को नहीं सारा पर आम चेस्ट सरकमफेरेंस मापिबा। जदि पिलार एज 5 इयर्स रु बेसी अछि ताहले आम स्टैंडिंग पोजिशन तार चेस्ट सरकमफेरेंस मापिबा, एवं जदि 5 इयर्स तले अछि बिलो 5 इयर्स अछि ताको आम सुवाई की लाइंग पोजिशन दे कि चेस्ट सरकमफेरेंस मापिबा, ओके एगुडा होची प्रैक्टिकल जिनस। देन आमर मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस जहाँ को आम मुआक कहते हैं मुआक टाइप अच्छे से दिन आम ह्वाट्सअप ग्रुप से डिस्कसन करुले, तो मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस एट बर्थ के 9 सेंटीमीटर रु 11 सेंटीमीटर, ओके एट 1 ईयर से जाए 12 रु 16 सेंटीमीटर, एट 1 टू 5 ईयर 16 रु 17 सेंटीमीटर, एट 12 ईयर 12 वर्ष बयस 17 रु 18 सेंटीमीटर, एवं 15 वर्ष बयस बेलू मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस के 20 रु 21 सेंटीमीटर हो जाए थे, ओके जदि आप गोटे एडोलेसेंट बा हेल्दी एडल्ट रो आपण मुआक रे मेजर करेंगे सेटा केते हो अप्रोक्सीमेटली 20 टू 21 सेंटीमीटर आपन को मिलिबो, ओके ए जिनस गुडाक पेडियाट्रिक पे बहुत इंपोर्टेंट लाइन एगुडाक आपण माने नोट करके रखंतु। देन आसे हमर इरप्शन ऑफ प्राइमरी टीथ, जे केते बेले छुआरो दांत बाहर एट बर्थ 10टा खंडे दांत थे नाही एट बर्थ थाए नील, जदि जिते छुआ को 8 मस रु 12 मस पर्यंत बयस हो कौन बाहर ना सेंट्रल इनसीजियर बाहर, ठीक अच्छे। फास्ट जदि आम क्वेश्चन आसे जे आम फास्ट टीथ कौटा आपियर हुए से हम आम सेंट्रल इनसीजियर जोटा आम मूसा दात कही था तले बाहर तलमाढ़ी। देन आमर तलमाढ़ी और उपरमाढ़ी दुटा आगे बाहर सेंट्रल इनसीजियर दि दुटा। देन आमर 9 रु 13 मस बेलू लेटेराल इनसीजियर बाहर जोटा कि आम सेंट्रल इनसीजियर साइड रे बाहर। देन 13 रु 19 मस रे फर्स्ट मोलार, 16 रु 22 मंथ रे कानाइन्स, एवं 25 रु 33 मंथ बेलू सेकेंड मोलार्स टीथ इरप्शन हो जाए थे। तो एगुड़ाक हूँ आम प्राइमरी टीथ जोटा कि आम एप्रोक्सीमेटली 6 वर्ष बयस बेलू धीरे 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 झड़ जाए, तापर आम बाहर परमानेंट टीथ, ओके तो 6 वर्ष फर्स्ट मोलार बाहर। देन 7 टू 8 इयर्स 7 रु 8 वर्ष बयस सेंट्रल एवं लेटरल इनसीजियर गुड़ाक बाहर। 9 वर्ष बयस फर्स्ट प्रीमोलार, देन 10 रु 11 वर्ष बयस सेकेंड प्रीमोलार, देन 11 रु 12 वर्ष कानाइन्स, 12 रु 13 वर्ष सेकेंड मोलार, एवं 17 रु 22 वर्ष बेलू थर्ड मोलार बा विजडम टीथ जोटा आम बुद्धिदात कही बाहर, ठीक अच्छे। ये थर्ड मोलार बाहर बेलू बहुत जन को आपने देखिए फिवर आमर गम स्वेलींग एगुड़ाक देखापी मिलता है, ओके तो युवाक हूँ आम इरप्शन ऑफ परमानेंट टीथ जो गुड़ाक कि आम एंड ऑफ द लाइफ पर्यंत रहबो, ओके। तो पे थैंक यू फॉर वाचिंग आज ये पुणी देखा गोटे नुआ एवं इंपोर्टेंट टॉपिक सह टिल देन टेक केयर बाय बाय।